अभी हम लोग हैं महाबलेश्वर के विंटेज माइल्स में और हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था शेड नंबर 1 और अभी जा रहे हैं हम लोग शेड नंबर 2 में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, एक आई कार्ड का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करिए और पहले शेड का एपिसोड देख के आइए जिसमें कि बहुत सारी विंटेज बाइक्स हमने कवर की थी। और अब हम जा रहे हैं शेड नंबर 2 में जिसमें कि उससे भी अच्छी और वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन द वर्ल्ड एंड एटलीस्ट द लार्जेस्ट इन इंडिया विच इज ऑलरेडी प्रूवन बाय द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कि ये इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर विंटेज कलेक्शन है। तो आइए नीचे चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। एंड हेयर अगेन वी हैव केम ऑन टू द मोपेड सेक्शन। ये दूसरा शेड है। अगर आपने पहले शेड की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। दैट वाज मोर फैंटेबुलस एंड दिस इज मोर फैंटेबुलस देन द प्रीवियस वन। सो ये भी स्मॉल इंजन मोपेड कॉन्सेप्ट का है एंड दिस वाज मार्स लक्सस। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे इन लोगों ने नहीं लगाई है बट यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस स्मॉल इंजन दैट इट हैज। एंड अगेन दिस वन इज अगेन अ वेरी स्मॉल मोपेड फ्रॉम हीरो साइक्लोमोटो। साइक्लोमोटो का यार इंजन का कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे एंड लुक ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंजन यार, गजब है। एंड आई बिलीव दिस लीवर इज फॉर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर इंजन। वट आई वॉज मोर क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर एटलस मोपेड वॉज कि देखो यार ये इंजन तो लगा हुआ है यहाँ पे इन द फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टायर बट ये इंजन ये आगे वाले व्हील को रोटेट कैसे कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को भी पता हो ना, देखो यहाँ पे भी ये कनेक्टेड नहीं है। अच्छा ओके, आई थिंक आई गॉट इट। ये देखो यहाँ पे ना ये रोलर है, आई थिंक ये अगले टायर से कनेक्ट होगा और इसको घुमाता होगा। आई गॉट इट भाई साहब। लेकिन ये टायर बहुत ज़्यादा ख़त्म करता था बिकॉज ऑफ दैट रबिंग, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ओ भाई क्या कॉन्सेप्ट था, इसको डिसकंटिन्यू करने का एटलेस का बस यही था कारण, क्योंकि ये वो रब करता था जो मैंने दिखाया और उसकी वजह से टायर बहुत जल्दी घिस जाते थे। दिस इज़ फ्रॉम एवॉन। ये सारे साइकिल ब्रांड है जो आप अभी जानते हो, लेकिन ये पहले क्या करते थे ये देखो। एंड लुक ऑन टू दिस स्पोर्टिव। स्पोर्टिव की स्पेसिफिकेशन यार, हियर इट इज। एंड दिस इज ऑफ सियाउन का ये है। एंड ये कंपनियां आपने देखी नहीं होगी यार, सियोन का बेसिकली ये ओरिजिनल एड है विच कंपनी हैज एक्चुअली लॉन्च्ड और ये पब्लिश किया था। दिस इज वेस्पा एंड पियाजियो कोलैबोरेशन और दिस इज एक्चुअली मेड इन इटली विद अगेन 50 cc 3.8 लीटर्स एंड 1.67 bhp का पावर है इसमें। एंड दिस इज अगेन अ डिफरेंट मॉडल फ्रॉम पियाजियो विच वॉज बेसिकली नोन एज वेस्पा SI। वेस्पा SI का ये स्पेसिफिकेशन है एंड दिस इज द ब्रांड न्यू वेस्पा। तो वेस्पा देखो भाई कहाँ से शुरू हुआ है, बाद में बोलना नहीं बताया नहीं मैंने। वेस्पा पियाजियो एंड दिस इज द न्यूएस्ट वेस्पा दैट इज इन द मार्केट। दिस वेस्पा ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू हैव सीन इट। आई थिंक ये ओरिजिनल स्टेपनी की जगह नहीं है, जिनको पता हो बताइए कि ये ओरिजिनल स्टेपनी की जगह थी क्या। लगता तो है कि कंपनी के फिटेड है बट आई एम नॉट श्योर, मैं कमेंट नहीं करूँगा। आप लोगों को बताइएगा कि वेस्पा का ओरिजिनल स्टेपनी यहीं पर होता था क्या इसका। एंड दिस इज वेस्पा अगेन। ये वाला यहाँ पे नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत देखा है। अब दोनों में डिफरेंस है कि हेडलाइट इसका यहाँ पे, हेडलाइट उसका मडगार्ड के ऊपर है। एंड अगेन वी आर बैक ऑन टू द वेस्पा विथ हेडलाइट इन द हैंडल। दिस वॉज टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन इटली यार, गजब गजब। ये स्कूटर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं। ये और बजाज 150, ये मेरे पापा की पहली हमारे घर में पहली गाड़ी जो थी ये बजाज 150 थी। प्रिया भी मेरे चाचा जी के पास थी, ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस प्रिया है, उनकी ग्रे कलर की थी। और ये जो है ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्कूटर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ। इसको मैंने यहीं से चलाना सीखा था, यहीं से मैंने स्कूटर चलाना सीखा था।
टू व्हीलर चलाना सीखा था, जो भी गाड़ियां चलानी सीखी थी यहीं से। अब ये जो है दिस इज अगेन बजाज। अब बजाज का ये कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक दिस इज बजाज कब। मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बजाज कब का मेरे को ओरिजिनली क्या सीन है नहीं पता है। एंड बोथ ऑफ दिस स्कूटर बजाज कब थोड़ा सा आई थिंक दैट इज वन इज रीपेंटेड और ये ओरिजिनल कलर में है इसके। एंड दिस इज अगेन बजाज M80। ये आपको बहुत सारी मूवी में, बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ की शूटिंग में दिखी होगी। ये बहुत ही प्यारी मोपेड थी। दिस वॉज द स्पेसिफिकेशन ऑफ बजाज M80 विच वॉज ऑफ समवेयर अराउंड 75 cc एंड 4.7 bhp। 3.5 liter का फ्यूल टैंक था इसका। एंड लुक्स ऑसम यार। अब ये तीन कलर यहाँ पे ही अवेलेबल है M80 के। एंड दिस वन इज अगेन अ स्मॉलर इन साइज एंड स्मॉलर इन इंजन एज वेल। बजाज M50 दैट वॉज M80, दिस इज M50। ऑब्वियसली 50 cc का इंजन है एंड दिस इज द स्पेसिफिकेशंस। ये मेरी मम्मी और मेरी दीदी चलाती थी बजाज सनी। बजाज सनी यार बहुत ही क्यूट गाड़ी थी। बस हमारा फर्क था कि यहाँ पे आगे में हमने एक डिक्की लगाई हुई थी सामान रखने के लिए। एंड दिस इज दिस स्पाइस। ये भाई ये स्कूटी के बारे में मेरे को नहीं पता है। ये कवासाकी का एलिमिनेटर, अभी जो एवेंजर है ऑलमोस्ट इसी पे था कॉन्सेप्ट पे, बट ये इंजन थोड़ा हैवी है। ये 500 cc का इंजन था एलिमिनेटर में उस टाइम पे, सोचिए। एंड यार तेरा चेतक पे चल ले अच्छे चस्का रेड फरारी का। दिस इज अगेन पुणे एंड 150 cc के सेगमेंट में आ गए हैं हम लोग मोस्टली। अब आपको जो है बजाज की स्ट्राइड भी जो है ये भी 150 cc में है, ऑलमोस्ट 4-5 cc ऊपर नीचे रहेगी। और अगेन अच्छे तक क्लासिक। एंड अगेन आई थिंक दिस इज इधर बजाज 150 और बजाज सुपर। आई थिंक बजाज सुपर है ये। यस इट विल बी बजाज सुपर। कैलिबर मैंने बहुत चलाया है, बहुत अच्छी बाइक है विद आरपीएम मीटर। बजाज KB125 कभी नहीं सुना नाम, बहुत रेयर होगी या फिर बहुत कम बिकी होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ है। बजाज RTZ अगेन। अब यहाँ से देखो भाई हम ये वाली सेगमेंट को मिस ना कर जाएं, तो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन टू द मिड लेन, ठीक है। अब बजाज RTZ एक लैंडमार्क रखेंगे कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया था भाई। सिलेंडर ले जाने वाली ऑटो। एंड पिछली बार तो होंडा इटर्नो और इसके बीच में लोगों ने इतना कमेंट किया ना भाई होंडा इटर्नो या बजाज इटर्नो, तो पहले भाई ये सब देख लो आप। अब जो है इसको थोड़ा सा ना संभल के बोलूँगा, दिस इज बजाज का लेजेंड। इसकी साइलेंसर की कॉन्सेप्ट बहुत सही थी भाई, इतना प्यारी आवाज़ आती थी इसकी। एंड दिस वन इज ऑफ स्पोर्टी, किसका है यार आई एम नॉट श्योर, इसके बारे में बताना है। स्पिरिट आई थिंक इज ऑफ TVS स्पिरिट, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बताना कमेंट में किसका है। क्रिस्टल, आपको ना एक फेंटेबलस बाइक दिखाऊंगा या फेंटेबलस स्कूटी दिखाऊंगा। इज दिस क्रिस्टल, दिस इज अगेन अ स्पिरिट। अब भाई ये वाली जो है ना इटालियन ही हो, ये देखो यार इसको उस तरफ से जाके और करीब से देखेंगे, ये इस तरफ से इसका व्यू है ज़बरदस्त। एंड दिस इज DART 2, DART 3 ब्यूटीफुल। एक्चुअली पीछे सस्पेंशन देके बहुत अच्छा लग रहा है, फिर पीछे ज़्यादातर सस्पेंशन देते नहीं थे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है यार, अगेन है 50 cc बाइक और मोपेड यू कैन से। एंड डार्ट स्वास्तिक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, दिस इज अगेन फ्रॉम एटलस आई स्पीडोमैटिक। अगेन आप इसको ऐसा साइकिल भी यूज़ कर सकते थे, प्रॉपर साइकिल वाली चेन है विथ आई बिलीव 50 cc का इंजन होगा एटलीस्ट। दिस वन इज अगेन एटलस की पावर किंग है, इसमें भी आई बिलीव साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है जैसे लूना और वो मोपेड स्टार्ट होती थी, बट 50 cc का इंजन होना चाहिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए भाई। अवंती की स्पोर्ट्स बाइक, क्या बढ़िया भाई रैली वाले टायर्स हैं इसमें। अगेन अवंती की ऑटो गियर कैल्विनेटर की कोलैबोरेशन में बनी हुई, इसका भी 50 cc का है एंड द टॉप स्पीड गोज टिल 80 विद 2.6 bhp। ब्यूटिफुल। एंड
यू कैन से अवंती के कैल्विनेटर कैल्विनेटर फ्रिज तो पता है ना आप लोगों को. दिस इज अगेन 150 cc, ब्यूटिफुल. एंड दिस इज अवंती पेसर. ओ एंड दिस इज अगेन अ स्मॉल स्पोर्ट्स बाइक. Keeping children in consideration. अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं वापस TVS के पास. I'll pause the video and I'll start it from there. भाई यहाँ तक हम लोग cover कर चुके थे, which was Bajaj RTZ and again Bajaj Super, Bajaj Super, Bajaj Bravo. ये specifications बहुत recent की हैं, तो ये recent scooters हैं, मतलब 80-90 में. तो Chetak, this is Bajaj Forest. इन सब के स्पेसिफिकेशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. कैनेटिक की बॉस मैंने चला रखी है. दिस इज कैनेटिक जिंग, देखी है, चलाने का मौका नहीं मिला. और दिस इज कैनेटिक K400, ऑब्वियसली 100 cc की है ये. एंड दिस इज कैनेटिक 100 DLX, बहुत रेयर है, मैंने आज तक नहीं देखी. आप लोगों ने देखी हुई तो बताना यार. दिस इज कैनेटिक का स्पार्क. दिस अगेन हैज़ अ बेटर फुट पैडल, फुट रेस्ट बहुत सही दिया हुआ है इसमें. इसमें भी फुटरेस्ट बहुत सही दिया हुआ. दिस इज कैनेटिक स्पार्क का डिफरेंट वेरिएंट. एंड दिस अगेन आई बिलीव इट्स नॉट स्पार्क, दिस इज कैनेटिक सफारी. इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये रहा स्पार्क का स्पेसिफिकेशन. यू कैन पॉज एंड सी. एंड दिस इज द सफारी स्पेसिफिकेशन. अगेन कैनेटिक का लूना, ये है एक्चुअली लूना यार, जिसको पता नहीं है. दिस इज द लूना. सीट देखो कितनी ऊपर है, कुशनिंग कितनी ज़्यादा है, लेकिन विड्थ कितनी कम है भाई. मतलब बंदा आधा इधर आधा उधर लटका रहेगा. This cycle is pretty old. हेडर किया ये पिछली बार नहीं थी. Obviously condition अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा सा renovate करना पड़ेगा. But dual pedal वाली concept शायद बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी. यहाँ कहाँ का number plate है इस राजदूत में आप बताना. बहुत पुराना है, I think मद्रास का है, I'm not sure, या फिर महाराष्ट्र का भी हो सकता है मेटी. बट अभी इसमें इंजन नहीं है. ये होंडा ने भी मैंने वर्कला में रिसेंटली चलाई है, तो नॉट अ बिग डील. ये कौन सी बाइक है, इसका तो टैंक गायब है, तो मैन्युफैक्चरर का पता कैसे चलेगा. बट दिस इज़ अगेन अ हीरो होंडा, हीरो होंडा CD100 हो सकता है ये. एंड अगेन वी आर कमिंग विद द कैटेगरी ऑफ बजाज. बजाज दिस इज लम्ब्रेटा. लम्ब्रेटा का यार अंदर से खुला हुआ ना पार्ट बहुत रेयरली देखने को मिलता है. देखो उसका सस्पेंशन देखो. एंड these are the one is fuel tank, one I think is the spare kit. This would be Bajaj by the look I can say. But original paint hai ye, isko repaint nahi kiya gaya hai. Bajaj ki Priya, ye bhi original paint hai I think so, not repainted. And we have covered the scooter category. Most of them are Bajaj, some of them are repainted, isliye iska badge nahi hai. Jiska original paint hai, jaise iska original paint hai Bajaj Super ka, with a bit of rusting, but original paint है. अब जो है बस ये category बची है हमारी, which is नर्मदा. नर्मदा and both the scooter are from the Gujarat government. ठीक है, ये उसकी specification है. And it was manufactured between 1987 to 1992. And this is again Gujarat Narmada Auto Limited. These are both from the Gujarat government. इसका कुछ केस चला था जिसके बाद कि ये स्कूटर को बैन कर दिया गया था. ग्रीन आर की अभी भी चाय आती है. पहले ग्रीन आर चाय बनाने से पहले क्या करते थे, जस्ट हैव अ लुक. क्या मास्टरपीस है यार. बहुत कॉलेज गोयर्स जो हैं, बहुत कॉलेज जाने वाले बंदों का 2000 से लेकर के 2010 तक में ये बाइक क्रेज रही थी. आइडल बाइक थी भाई फुल मटर गश्ती करने के लिए. दिस इज अगेन सेलेक्ट 2 है ये. हाँ सेलेक्ट 2 है ये. यस. And this is actually from the proper Piaggio. ठीक है, यहाँ पे LML Select 2 लिखा हुआ है, लेकिन this was built by Piaggio I think. Kinetic without self start. इसमें self start नहीं था Kinetic Honda में. This was not the Honda के कितने साल किस के साथ collaboration है भाई. Bajaj के साथ भी शायद I think थोड़े बहुत spares share करता था. Hero Honda तो था ही, Kinetic Honda भी है. ओके, होंडा अलग से भी है. एंड दिस वॉज विद द सेल्फ स्टार्ट, बट दोनों में इंडिकेटर्स हैं. दिस इज अगेन काइनेटिक नोवा. अच्छी स्कूटी है, वेरी वेरी नाइस. बट
इसमें आगे फ्रंट में इंडिकेटर्स जो थे बड़े वियर्ड जगह पे थे, मतलब यहाँ पे थे, ज़्यादातर हैंडल में होते हैं लोगों के। दिस इज़ दिस स्कूटी विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इटालियनियो सीरीज ब्लेज। क्या लगती है यार, आज के डेट में भी ऐसी कोई सीट नहीं देता, इसको लेकर के आप लद्दाख चले जाओ भाई। इसको ही मैं उस तरफ से दिखा रहा था, ज़बरदस्त, देख रहे हो कितनी मस्क्यूलर लगती है यार, कितनी मस्क्यूलर लगती है। एंड दिस इज काइनेटिक स्टाइल, ब्यूटिफुल। एंड भाई जिसको भी पता हो बताना, कंपनी अपनी कुछ नहीं लिखा, हेडलाइट नीचे है, कैरियर ऊपर है, सुजुकी A70, ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज लव सुपर डिलक्स यार, सुजुकी यार, सुजुकी। वहीं से पता चला मुझे कि मैन्युफैक्चरर सुजुकी है इसका, और कहीं लिखा नहीं था। दिस इज अगेन सुजुकी A70, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी, क्या चटक कलर है यार। एंड कुछ बेटा, नाम में इतनी ज़्यादा क्यूट है यार, कुछ बेटा। अब इसका मैन्युफैक्चरर आई थिंक कोई रेनाउंड वन नहीं है, कुछ मैग्नम 2 एंड पुच बेटा। वेल दिस वॉज ऑल फ्रॉम द सेकेंड शेड एज वेल। बाहर में इनकी 3 स्कूटर खड़ी है, वहाँ पे अपना थंबनेल खिंचवाते हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। प्लीज़ यार देखो, मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मेरा यूट्यूब चैनल को ना थोड़ा ग्रोथ मिल सके, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। सब्सक्राइब करने में हार्डली 5 सेकेंड भी नहीं लगते हैं, आपके लिए फ्री भी है, बट इट विल हेल्प माई चैनल अलॉट, सो प्लीज हेल्प मी आउट एंड डू सब्सक्राइब। आइए बाहर चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम हेयर एंड क्वाइट अ नाइस प्लेस, क्वाइट अ नाइस प्लेस। जिसको गाड़ियों का शौक है ना भाई, दिल खुश हो जाता है। एंड दिस आर दी 3 लेजेंड्स, वन इज वेस्पा, वन इज बजाज एंड अदर वन इज राजदूत, विच इज स्टैंडिंग ओवर हेयर। होप सो दैट यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर व्लॉग, and if you have then you know what you have to do, so stay tuned. Abhi Mahabaleshwar ghumna baki hai, but this was basically for this vintage collection, the only video which has crossed approximately 5 lakh views on my channel. Ek second bhaiya ko bolna rukne ke liye, I'll just take a drone shot of it and then we'll go. So I'm just taking a drone shot of it to show you how beautiful this particular place is, and please subscribe. Thank you so much.